नमस्कार, स्वागत है आपका इस देश में जहाँ एक मिनट औरतों पर अत्याचार होते रहे हैं। स्वागत है आपका इस भारत माता के देश में जहाँ औरतों के बारे में सोचते तो बहुत है पर करते कुछ नहीं। स्वागत है इस भारत देश में जहाँ आज भी औरतों के साथ अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी समाज में बेबस और लाचार है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे और समाज की सोच को बदल के दिखाएंगे। अरे समाज पर तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी है तो तुम उसे बदलने में क्यों पड़ी है? ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। अब बेटा मिल जाएंगे। मुझे भी पैसे चाहिए। मुझे पैसे क्यों चाहिए? डैडी मुझे फोन चाहिए। हाँ बेटा मिल जाएगा। डैडी मुझे भी फोन चाहिए। फोन मुझे फोन क्यों चाहिए? डैडी मुझे बाइक चाहिए। हाँ बेटा मिल जाएंगे। डैडी मुझे स्कूटी चाहिए। स्कूटी मुझे क्यों चाहिए? पापा मुझे MBA करने अब्रॉड जाना है। ठीक है चला जा। पापा मुझे भी MBA करने अब्रॉड जाना है। MBA क्यों करना है? अरे बेटा तू अब्रॉड जाके क्या करेगी? 40 लाख तो तेरा खर्चा आएगा। जब तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। मुझे तेरी शादी में दहेज देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो बेटा इच्छा से तू शादी कर और बाबू की दुआएं देती जा। देती जा, देती जा। हमारे देश में जहाँ औरतों का अपना डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है पर फिर भी ज्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ है, ना कि अपनी मर्जी से पर किसी ना किसी के दबाव में आकर, क्योंकि कभी ना कभी उनके घर वालों ने उनसे कह दिया था बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी समाज में बेबस और लाचार है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे और समाज की सोच को बदल के दिखाएंगे। अरे समाज पर तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी है तो तुम्हें समाज में क्यों पड़ी है? ऐसी होता है, ऐसी होता रहेगा। समाज के महिलाओं का समाज हाँ हाँ हमने केस पुलिस को सौंप दिया, आगे की कार्रवाई कोर्ट में की जाएगी। गुनेगार गुड्डू हाजिर हो। केस? कौन सा केस? वो केस जिसमें लड़की 6 महीने पहले ही मर चुकी है। तो क्या इस लड़की को नेताजी इस पर आपका क्या कहना है? अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जैसे रेप हमने किया। आप तो इल्जाम ऐसे लगा रहे हो जैसे रेप हमने किया। हमने महिलाओं के लिए समाज में क्या क्या नहीं किया है? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स ज्वाइन करके तू क्या करेगी? यहाँ लोग सिस्टम बदलना आते हैं और सिस्टम उन्हें ही बदल देता है। हमारे देश में जहाँ 10% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है पर उन्हें दी गई है तो सिर्फ 6%, क्योंकि कभी ना कभी उनके माता पिता ने कह दिया था कि बेटा एक बार और। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी समाज की नजरों में बेबस और लाचार है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे और इस समाज की सोच को बदल के दिखाएंगे। जब अरे समाज को तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी है तो तुम उसे बदलने पर क्यों हो? तुम ऐसी होता है, ऐसी होता रहेगा। महिलाओं के लिए समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगा। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए समाज कभी नहीं बदलेगा। क्या तो अपने हिसाब से जीने का हक भी नहीं है क्या? जब तक तुम और तुम्हारा समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदल सकता। अरे अब तो उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? अब तो उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? अगर तुम नहीं उठे तो महिलाओं के लिए समाज कभी नहीं बदलेगा। महिलाओं के लिए समाज कभी नहीं।